नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो जो है स्पार्क प्लग से रिलेटेड है। जैसे कि ये मेरा जो स्पार्क प्लग है, ये देखिए थोड़ा सा टाइट करने के बावजूद भी ये इसमें इतना प्ले आ गया है, जिससे कि अगर मैं इसको फुल टाइट करता हूँ तो ये स्पार्क प्लग का जो पॉइंट है वो पिस्टन से टकरा रहा है और उसका पॉइंट जो है बार बार सट जा रहा है, और ये वाइब्रेशन की वजह से धीरे धीरे स्पार्क प्लग खुद ही खुल के निकल जा रहा है। तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो देखिए इस प्लग को मैंने टाइट कर दिया है, तो मैं एक बार इंजन स्टार्ट करके दिखाऊंगा कि जो साउंड है इंजन का वो कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इंजन को स्टार्ट करता हूँ। सामान जैसा कि आपने सुना होगा बीच में टिक 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 करके आवाज़ आ रही है, वो इसी की है। और ये अभी इसमें जब कंटिन्यू गाड़ी स्टार्ट रहेगी थोड़ी देर, तो ये आवाज़ जो है थोड़ी ज़्यादा लाउड हो जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आपको साउंड आ रहा होगा, टिक टिक का साउंड आ रहा है। पिस्टन से लड़ रहा है, तो हम इसी को आज सॉल्व करेंगे। और जो कंप्रेशन लीक हो रहा है उसके ऊपर भी मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत लो साउंड है, टिक 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 करके जा रहा है। बस पास कर वाइब्रेशन आ रही है। तो आज सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्पार्क प्लग को बाहर निकाल लेते हैं। और जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती जाएगी गाड़ी में, और बार बार कंप्रेशर लीक होगा। कंप्रेशर लीक होगा तो आप हो सकता है गाड़ी आपकी एवरेज जो है बहुत कम दे। ये फ़िलहाल 4-5 का एवरेज दे रही है, उससे ज़्यादा का ये नहीं दे रही है। मैं कुछ वॉशर जो है ख़रीद के लेके आया हूँ। ये मोपेट का जो हीरो एक्स टीवीएस एक्सेल आती है उसी के क्लच में ये वॉशर यूज़ होता है। तो हम यही वॉशर जो है इस प्लग के बीच में यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ इसको यूज़ करेंगे। ये कंपाउंड है जिससे कि इंजन वगैरह जो है सील किया जाता है जब इंजन बांधा जाता है, या इसको हम लगाएंगे कि कंप्रेशर जो है वो लीक ना हो ज़्यादा, जिससे कि गाड़ी अच्छा एवरेज दे। फ़िलहाल अभी इसकी एवरेज बहुत कम है। कम मतलब समझ लीजिए, अगर आप इससे कहीं लॉन्ग रूट जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल, मतलब ये कई दिन से मैंने इसको गाड़ी रखा है। एक दिन शादी में गया था तो जब तक आया ये 4 लीटर तेल खा चुकी थी आने जाने के लिए ही। इसको आराम से 100 किलोमीटर चलना चाहिए था, लेकिन ये उतनी नहीं चली। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इस पे जो है पेट्रोल लगा रहा है, यानी फ्यूल भी प्रॉपर ढंग से बर्न नहीं हो रहा है। और इसका पॉइंट जो है अभी ठीक है, लेकिन जैसे ही गाड़ी थोड़ी गर्म होगी, और मेटल जब थोड़ा सा गर्म होता है तो वो खुलता है, तो जैसे ही मेटल थोड़ा सा बढ़ेगा और पिस्टन जो है प्रॉपर इससे टकराएगा, क्योंकि पॉइंट गैप मैंने जो है फ़िलहाल अभी बढ़ाया है। ये पॉइंट बिल्कुल सट गया था इसमें, इसके जो सेंटर वाला गैप है इससे पूरी तरह से सट चुका था। तो इसको जो है अब इसमें वॉशर लगा के इसको टाइट करते हैं। तो इसको टाइट कैसे करेंगे, पहले सीधा
सीलेंट और उसको यूज़ करते हैं वॉशर। तो अब जहाँ मुझे कसना है यहाँ पे, तो इसको मैं थोड़ा सा रेगमाल से साफ़ कर देता हूँ पहले। क्योंकि इंजन सीलेंट जो है इससे लगेगा नहीं अच्छे से। मैं इस तरह कर रहा हूँ कि डस्ट जो है कम से कम अंदर की ओर जाए, और इसकी जो चूड़ी है वो भी ख़राब हो गई क्योंकि मैंने हाल ही में हेड का काम कराया है। मेरे बैल जो थे वो लीक कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि गाड़ी भी उस समय भी काफ़ी कम एवरेज दे रही थी। तो हम इस पर थोड़ा सा सीलेंट लगा देंगे किनारे किनारे, जिससे कि कंप्रेशर जो है वो लीक ना करे बार बार। तो सबसे हम पहले इसको लगा के थोड़ा सा छोड़ देंगे साइड से, क्योंकि वॉशर जो है वो ऑलरेडी थोड़ा से ओवरसाइज्ड है। तो ये आसानी से इसको पकड़ लेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसकी वजह से। फिर और ये प्लग में हम ये वॉशर जो है, सारे ये सात वॉशर हैं तो हम सात नहीं डालेंगे फ़िलहाल, अभी तीन या चार ही डालेंगे, चार वॉशर डालते हैं। और ये सीलेंट जो है प्लग के ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे, जिससे कि जो प्लग हिल रहा है मेरा उसकी, इस तरह इसको लगा दीजिए, जिससे कि ये वॉशर जो है अच्छे से इसमें भी ये सीलेंट लग जाए। फिर हम जो है इसको टाइट कर देंगे, जिससे कि ये अब ये प्लग जो है प्रॉपर पूरा टाइट हो रहा है। वैसे ये लूज़ हो रहा था, तो जब भी आप प्लग टाइट करें ऐसा नहीं है कि पूरी ताकत लगा के आप टाइट कर रहे हैं, जहाँ पे लगे कि प्रेशर बस अब बहुत है बस उसको वहीं छोड़ दें। क्योंकि पहले कास्ट आयरन आते थे तो उसकी चूड़ी जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती थी, और जब से एल्युमिनियम के आए हैं एल्युमिनियम के हेड्स या एल्युमिनियम के इंजन जो है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप एल्युमिनियम के इंजन यूज़ कर रहे हैं, आपकी किसी कार में है या बाइक में है, तो अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो दो तीन मिनट तक उसको स्टार्ट रखें, जब तक हर जगह ऑयल ना पहुंच जाए। कई लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते ही काफ़ी ज़्यादा थ्रॉटल लेते हैं। इससे होता यह है कि अगर नई गाड़ियाँ हाई आरपीएम के लिए बनी होंगी तो उनके कनेक्टिंग रॉड जो है टूट जाते हैं, क्रैंक शाफ्ट टूट जाती है बीच में से। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये भी एल्युमिनियम का हेड है और ये कास्ट आयरन का है, और बाकी जो आइटम हैं वो सारे एल्युमिनियम के हैं इसके, और वो काफ़ी भारी भरकम है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सूखने देते हैं, सूखने के बाद इसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसकी साउंड। गाड़ी का जो स्पार्क प्लग टकरा रहा था वो प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, और कार बाइक में जो है थोड़ा सा इंजन ऑयल जो है वो कम हो गया है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी गाड़ी जो है बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब इसका जो प्लग है मतलब पिस्टन जो है प्लग से बिल्कुल भी लड़ नहीं रहा, और कंप्रेशर लीक नहीं हो रहा है। अब जब थोड़ा सा चलाऊंगा तब थोड़ा अंदाज़ मिलेगा कि गाड़ी सही से एवरेज दे रही है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।